ये शुरू करते हैं अपनी क्लास। हमारी 10th क्लास की मैथ है, जिसका पहला चैप्टर है और नाम है वास्तविक संख्याएं, और जिसे हम रियल नंबर्स भी कहते हैं। एक्सरसाइज हमारी 1.4 है, ठीक है। और हमारा क्वेश्चन कौन सा, तीसरा है इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन कौन है, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, वो कहता है कि कुछ वास्तविक संख्याओं, ठीक है, के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि वह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है। यदि यह परिमेय संख्या है और p के रूप में की है, तो p के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि हमारा पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, हमारा पहला क्वेश्चन है 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो हमारा इसमें हम क्या लिख सकते हैं, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटे, बटे में क्या लिखेंगे, कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अंक है, तो कितने जीरो लग जाएंगे, 9 जीरो लग जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जीरो लग जाएंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जब हमारे 9 जीरो लग गए हैं, अब हम क्या देख सकते हैं, अब हम देख सकते हैं कि ये हमारा 4 1 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो है, उसको हम कितने, 2 × 5, सेम उल्टा हो जाएगा पिछले क्वेश्चन की पावर 9, ठीक है। ये इसमें हम कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं ना। तो ये हम देख सकते हैं कि यहाँ अपॉन में 2 5 आ रहा है ना, 2 5, तो इससे हम कह सकते हैं ये हमारा शांत दशमलव है, ठीक है, शांत दशमलव है। और साथ में ही एवं ये हमारा परिमेय संख्या भी है, क्या है हमारी, ये एक परिमेय संख्या भी है, ठीक है। इस तरीके से पहले क्वेश्चन के बारे में हमने ये पता कर लिया। अब आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो हमारा क्या है, 0.1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 4 0, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है हमारा आ रहा है, तो इसमें हम क्या कह सकते हैं। तो दूसरा जो क्वेश्चन है, इसमें हम यहाँ देख रहे हैं कि ये जो संख्या है इस तरीके से हमारी बढ़ती जा रही है। अब अगली बार 5 जीरो लगेंगे, 1 2 के बाद फिर 6 जीरो लगेंगे, इस तरीके से हमारी संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया, यह जो है क्या है, यह जो है क्या, दशमलव का प्रसार कैसा है, दशमलव का प्रसार कैसा है हमारा, कैसा है, अशांत है, अशांत अनावर्ती है, कैसा है, अशांत अनावर्ती है, ठीक है। इस तरीके से ये हम देख सकते हैं। और यह और एवं क्या है, एवं अपरिमेय संख्या है, कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इस तरीके से ये हमने इसके बारे में पता कर लिया, ठीक है। अब हम अपना तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो तीसरा हमारा क्वेश्चन क्या है, तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है वो है 43.1 2 3, ये तो पहले ही वाला कोई क्वेश्चन लग रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन है, हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर ऊपर बार लगा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से ऊपर बार लगा हुआ है। तो इसको देख के हमें क्या लगता है, ये हमारा ऊपर बार है, मतलब फिर इसके बाद बार यही संख्या है, ये 1 से 9 तक, फिर 1 से 9 तक आएगी, फिर 1 से 9 तक आएगी, मतलब बार बार वही संख्या आती रहती है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं,
इसको हम जब इसको ओपन करते हैं तो क्या हमको क्या मिलता है, हमको क्या मिलता है बता सकते हैं कोई? इससे हमको ये पता चल रहा है कि यह कैसी इसका प्रसार, क्या दशमलव का प्रसार कैसा है। प्रसार अशांत है क्योंकि रुक तो रहा नहीं है, तो अशांत तो है ही, अशांत है। और साथ में कैसा है, अशांत अनावर्ती है, ठीक है, सॉरी आवर्ती है, ठीक है, बार बार आ रहा है ना, तो अशांत आवर्ती है इसका प्रसार, ठीक है। और हम क्या लिख सकते हैं, और हम क्या लिख सकते हैं, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, सॉल्व करने पर देखते हैं हमारा क्या आएगा। तो हम क्वेश्चन बिगाड़ते हैं अपना, ऊपर वाला क्वेश्चन, पहला वाला क्वेश्चन जो है हम ये बिगाड़ते हैं। ये हमने क्वेश्चन जो है अपना साफ कर लिया, ठीक है। इसके आगे का क्वेश्चन है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो हमने इसको पी वाई क्यू के रूप में मान लिया जो कि x है, ठीक है, वही संख्या हमने लिख ली है, ठीक है। तो हमने 43.123456789 यही संख्या लिख ली है। फिर हमने वही संख्या लिख ली है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरीके से हमने यहाँ तक, तो हमने यहाँ तक संख्या अपनी लिखी है फिलहाल, ठीक है। ये तो हमने आपको समझाने के लिए लिखा था, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ, हमने दशमलव को यहाँ से यहाँ खिसका दिया, हमने यहाँ से यहाँ खिसका दिया, तो मतलब हमारे कितने जीरो लग गए, 9 जीरो लग गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जीरो लग गए, 9 जीरो जो हमारे लग गए, तो हमारा ये x के बराबर ये संख्या थी। तो हम इस संख्या को क्या लिख सकते हैं, 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर दशमलव में क्या लिख जाएगा, दशमलव में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब 1000 की गुणा किससे हो जाएगी, x से हो जाएगी, 1000 नहीं जो भी लिखा हुआ है ये, उसकी गुणा 9 जीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और x की गुणा इससे हो जाएगी, ठीक है। जब इसकी गुणा इससे हो गई तो हमारी ये वाली कहाँ गई, ये वाली जो थी, ये हमने जो मानी थी, क्या मानी थी, यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं x बराबर 43.123456789, ये हमारी जो थी पहला समीकरण था, और ये हमारा कौन सा समीकरण निकला है, दूसरा समीकरण निकला है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 - 1 से, मतलब समीकरण 2 में से एक समीकरण घटाने पर, ठीक है। अब ये जो नीचे लिखा हुआ है इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। फिलहाल तीसरे क्वेश्चन चल रहा है, क्वेश्चन आ नहीं पाएगा इसलिए हटाना तो पड़ेगा ही, इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। तो समीकरण 2 - 1 करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, तो हमारे पास आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, x बराबर 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दशमलव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस में क्या, 43.123456789, इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा। तो जब हम घटाते हैं तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, जब हम घटा देंगे तो ये वाला सारा पोर्शन जो है वो घट जाएगा, घट जाएगा कि नहीं घट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, बचेगा हमारे पास 4 3 1 2 3 4 5 6 और 7, और यहाँ पे समझ लो 43 घट जाएगा, तो 9 में से 3 गए और बाकी पूरा घट जाएगा, 9 में से 3 गए तो कितना बचेगा, 6, और 8 में से 4 गए कितना बचेगा, 5 बचेगा, इस तरीके से ये हमारा बच जाएगा। और इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा कितना, 9 बार 9, तो 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 x। ठीक, तो x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 4 3 1 2 3 4 5 6 7 और 5 6, और बटे में क्या आ जाएगा, ये 9 वाला जो लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरीके से ये हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब 9 9 9 ये आ गया, जो काटेंगे पीटेंगे तो ये हमारा, हम देखते हैं लासा में, ये हमारा 2 और 5 के गुणनखंड के रूप में तो नहीं आएगा, देखने से हमको पता चल रहा है तो नहीं आएगा, तो हम क्या लिखते हैं, यह परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, ये सब, यही सिर्फ हमको देखने के लिए हमको ये सब करना पड़ा। ठीक है, ये सॉल्व करना पड़ा, ये परिमेय संख्या नहीं है। इस तरीके से आपका पूरा क्वेश्चन जो है वो लग गया है। अब आपको क्या करना है, एच डब्ल्यू का काम है 13/2 × 5 × 5/3, इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे ये आपको बताना है। ठीक है, तो अगर आपने कल वाली क्लास देखी होगी तो इसका आंसर ज़रूर दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे तो मैं बता दूंगी। ठीक है, कमेंट करके बता देना, मैं बता दूंगी कि कैसे लगेगा। और आपको क्या करना है, तो आपको अब क्या करना होगा, हमारी वीडियो जो है उसको लाइक करना होगा, फिर आपको क्या करना होगा, हमारी गुरु दक्षिणा देनी होगी। गुरु दक्षिणा में आपको जो YouTube पे वीडियो देख रहे हैं उनको हमारे चैनल सब्सक्राइब करना होगा और शेयर करना होगा। अब सब्सक्राइब बटन के पास में एक बेल आइकन बना होता है, बेल आइकन को हिट करना होगा, ऑल वाला ऑप्शन लगाना होगा, और आपको क्या करना होगा, जो फेसबुक पे देख रहे हैं उनको हमारा पेज फॉलो करना होगा और लाइक करना होगा। ठीक है, और शेयर करना होगा। ठीक है, ये हमारी गुरु दक्षिणा है आपको, और आप लोग जस्ट जो हैं सब्सक्राइब तो कर लेते हैं पर शेयर बहुत कम करते हैं, तो शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए। मेन गुरु दक्षिणा जो है हमारी यही है, तो ये करना बिल्कुल ना भूलें, हमारी गुरु दक्षिणा देना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, और जाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात है, वो भी सुन के ज़रूर जाना। तो भाई इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब हम यहाँ पे जोजस स्टडी सर्च करते हैं, जोजस स्टडी आ जाएगा, जब हम इसको सर्च करेंगे तो हमारा चैनल दिखेगा जिसको आपको टैप करना है। टैप करने के बाद कुछ ऑप्शन दिखेंगे, पहला होम होगा, दूसरा वीडियोज़ होगा, तीसरा प्लेलिस्ट होगा, चौथा कम्युनिटी, फिर चैनल, फिर अबाउट। तो हमें कौन से ऑप्शन पे जाना है, प्लेलिस्ट पे जाना है। प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे जब हम जाएंगे तब हम क्या इस पे टैप करेंगे, टैप करने के बाद हमारी जो भी प्लेलिस्ट है वो खुल के आ जाएगी। अब हमारा ये जो एरो बना है, ठीक है, इस एरो पे हमें टैप करना है। टैप करने के बाद सारी वीडियोस आ जाएंगी, फिर इसके बाद लिखा होगा व्यू 30 मोर, फिर व्यू 30 मोर के पे टैप करना होगा, फिर हमारी जितनी भी प्लेलिस्ट बनी होगी वो सारी जो हैं वो हमारी प्लेलिस्ट जो हैं ओपन होके आ जाएंगी। ठीक है, आप उन्हें देख सकते हैं। फिर हम आपको कहाँ जाना है, जो भी आपको देखना है वीडियो, जिस भी क्लास की वीडियो देखनी है आपको यहाँ पे मिल जाएगी। फिर आपको जाना है चैनल पे, चैनल पे टैप करेंगे आप तो हमारे चैनल पे आ जाएंगे। तो चैनल पे आपको 3 चैनल दिखेंगे, जोजस किड्स मस्ती, जोजस क्राफ्ट ज्वेलरी और जोजस क्राफ्ट, इन चैनल्स को भी आपको सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, और बेल आइकन को हिट कर लेना है। फिर आप जब पहले जोजस किड्स मस्ती पे जाएंगे, इसमें आपको बच्चों को कैसे क्या सिखाया जाता है, बच्चों को कैसे क्या उन्हें सब सिखाया जाता है, वो सारी बातें आप इसमें देख सकते हैं। बच्चों की वीडियोस हैं, बच्चों के खेल खिलौने कैसे क्या खिलाना चाहिए, ये वीडियोस इसमें बनाई गई हैं। हमारा जो दूसरा चैनल है जोजस क्राफ्ट ज्वेलरी, इसमें सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी जो ज्वेलरी हैं वो अपने हाथों से बनाई गई हैं, जो कि मैंने बनाई हैं, सुंदर सुंदर ज्वेलरी जो हैं वो दिखाई गई हैं, मैं आपको दिखा सकती हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी ज्वेलरी जो हैं वो बनाई गई हैं, मैंने खुद अपने हाथों से बनाई हैं। अगर आप क्रिएटिव बनना चाहते हैं और पढ़ाई के साथ साथ कुछ और भी करना चाहते हैं तो आप ये वीडियोस जो हैं आप देख सकते हैं, क्रिएटिव बन सकते हैं। ये सब सारी जो नथ वगैरह, कुंडल वगैरह जो हैं, इयररिंग्स जो सारे अपने हाथों से बनाए गए हैं। ठीक है, फिर हम अपने आप चलते हैं तीसरे चैनल पे, तो तीसरा चैनल है जोजस क्राफ्ट, उस पर टैप करेंगे तो हमें क्या दिखेगा, उस पर हमें जो घर की बेकार चीज़ें जैसे कि टिशू पेपर हुए, शादी के कार्ड वगैरह हुए,
उनसे आप घर के डेकोरेशन वाले यूजफुल चीज़ें जो हैं आप बना सकते हैं। इसमें ये सब आपको दिखाया गया है, ठीक है। अगर आप ये सब सीखना चाहते हैं, क्रिएटिव बनना चाहते हैं, तो आप हमारी इन चैनल्स को भी क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। तो हमारी गुरु दक्षिणा देना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलते हैं, और तब तक के लिए बाय, ठीक है। तो चलिए हमारे चैनल को